टाल मटोल वाली कहानी नहीं, अब नहीं चलेगी। अब गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को मजीद इम्तिहान में डालना नहीं चाहते, परमानेंट सोल्यूशन लेकर आ जाए। नहीं है तो हम देंगे सोल्यूशन, ओहदे के लिए, मनसब के लिए आवाम को मुसीबत में डालना, इम्तिहान में डालना, इससे बड़ी बेगैरती मैं किसी चीज को नहीं समझता हूं। तसलसल के साथ जो वाकयात रूनमा हो रहे हैं, इसके पीछे हाथ है, ग्रेट गेम का हिस्सा है। सीएम साहब ने खुद कहा, तो इस ग्रेट गेम के हिस्सा कैसे हम ना बने, इसका तदारुक कैसे किया जाए, इसके ऊपर बैठ के बात हमने करनी हो और कर रहे हैं। यामर यूथ का कल का उन्होंने जो सबसे बड़ा इज्तिम किया यामर में, यही मुतालिबात थे जो हमने पेश किए। जो दहशतगर्द हैं, ओपन असलाहा लेके घूमते फिरते हैं, दंदनाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, और उनके मिलिटेंट विंग्स हैं, उनको खत्म किया जाए। यह हमारा भी डिमांड था, यामर की तरफ से भी यही डिमांड आई, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और यही बातें कि बस के ऊपर फायरिंग, निहत्ते मुसाफिरों के ऊपर फायरिंग, ये गैर इंसानी हरकत है, ये बात हमने भी की, यामर के अवाम ने भी की। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा दुश्मन मुश्तरिका है। वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, कौन सा वो रॉकेट साइंस है सर, ये सानिहा कैसे पेश आया ये बताना है। और आइंदे के लिए ऐसे सानिहात के तदारुक हमारी इन्फोर्सिंग एजेंसीज कैसे करेगी, ये आवाम को बताना है। हम यहाँ 33 असम्बली के जो मेम्बरान हैं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते। मेरे पीछे 55,000 की पॉपुलेशन है, हर मेंबर के पीछे 50,000 लाख की पॉपुलेशन एनएक्स है। वो हमसे ये डिमांड करते हैं, ये मुतालिबात हमसे करते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में सियासी डायनामिक्स जो है वो कुछ इस तरह से हैं, जो इलाके का मुंतखब मेंबर होता है उसी को ही हुकूमत समझते हैं। कत्ल भी मैं करवाता हूँ और दहशतगर्दों को पकड़ता भी मैं ही हूँ, गंदुम भी मैं उनको देता हूँ, नौकरी भी मैं उनको देता हूँ, ऐसा समझा जाता है। तो हमसे सवाल करते हैं, आज भी हमारा प्रोग्राम है गिजर का, हुंजा का, और जहाँ जहाँ हमारे शहदा हुए नलतर का जाएंगे। कल हम नगर गए, मेरे साथ ही सारे असेंबली के मेम्बरान थे, हालात उन्होंने खुद ही देख लिया, सुना, जवाब नहीं था हमारे पोजीशन लीडर के पास, ये सामने बैठे हुए, कोई जवाब नहीं था। और वाकई हमारे पास कोई जवाब नहीं है इस इशू के ऊपर। तफसीली किसी हद तक बात हुई, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की संजीदगी का मैं एतराफ़ करता हूँ, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे जो मालूमात है, मुझे जो पहचान है सीएम साहब के हवाले से, इंतहाई संजीदा है और जरगदार है। उम्मीद भी है कि इस सानिहे का, इन सानिहात का कोई वे आउट निकालेगा, कोई हल इंशाल्लाह तलाश करेंगे। इस ज़मीन में अपोजिशन मेंबरान की तरफ से कुछ मुतालिबात थे, हमने मुतालिबात पेश की असम्बली में, इसकी गलत तशरीह की गई बाहर। हमारे जो मुतालिबात थे, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होके, हम जाएंगे आवाम के पास, मैं जाऊँगा दियामर, मैं जाऊँगा हुंजा, उनको बतलाऊंगा कि इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दियामर गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, पार्ट है, जैसे हुंजा है, नगर है, गिजर है, इसी तरह दियामर भी इसी गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है। हम कहना ये चाह रहे थे कि ये जो सानिहात होते हैं आपस में लड़ाने के लिए, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर की तरफ से
इसको ट्विस्ट करने की कोशिश की इस इशू को सेक्टेरियन की तरफ। एक बात हमने सेक्टेरियन नहीं की है, गिलगित में जितने भी वाकयात हुए हैं सेक्टेरियन, किसी एक वाकये को हमने टच नहीं किया है। हम ये कहना चाह रहे थे जनाब स्पीकर कि एक, और इसके ऊपर कल बात हो गई कि वो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, मैं कहता हूं कि वो बेगैरत इंसान है जो अपने अवाम को मुसीबत में डाले अपने ओहदे के लिए, वजारत के लिए, नहीं है वजारत की लालच। बताए ना हम अपोजिशन मेंबरान में से किसने राबता किया हुकूमत के साथ कि हमें वजारत दे दें। शोक नहीं है, हमारी जो ख्वाहिश है कि हम जो है अपने अवाम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी प्रोटेक्शन नहीं है तो ये स्टेट फेलियर है, तो इस स्टेट फेलियर के ऊपर हमने बात की है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी जो सेक्रेट सिटिंग होगी उसमें हमारे मुअज्जिज़ मेंबरान जो ट्रेजरी बेंचेस पे हैं कोई सलूशन लेकर आए।